ताइवान हिंसक झड़प को एक साल पूरे, चीन की नापाक हरकत से निपटने को भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार। ताइवान झड़प के एक साल के बाद भी बॉर्डर पर अड़ा है चीन, भारतीय सेना भी करीब 50,000 सैनिकों के साथ जवाब देने को तैयार। बीते साल 15 जून को लद्दाख की बर्फीली गलवान नदी के किनारे दोनों देशों के बीच हुई थी सैन्य झड़प, दोनों ही तरफ हुई थी जनहानि। साल भर में भारतीय सेना हुई काफी मजबूत, भारतीय सेना ने लद्दाख सेक्टर में अपनी मौजूदगी और मजबूत की। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना तैयार, राफेल लड़ाकू विमानों को अपने बेड़े में शामिल कर और ताकतवर हुई भारतीय सेना। राफेल युद्ध आजाद MiG-29 और Sukhoi-30 बेड़े में उत्तरी सीमाओं पर आसमान में हावी, दूसरा स्क्वाड्रन इस महीने के अंत तक संचालन के लिए हो जाएगा तैयार। लद्दाख के साथ साथ पूरी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भी जवानों की तैनाती, ड्रैगन से निपटने के लिए सेना ने एक अतिरिक्त स्ट्राइक कोर को तैनात किया है। यूपी चुनाव को देखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल में जल्द हो सकता है फेरबदल, सूत्रों के मुताबिक मंत्रालयों की प्रोग्रेस रिपोर्ट के आधार पर ही फेरबदल की रूपरेखा तय की जाएगी। विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा के लिए बैठकों का दौर जारी, देर रात पीएम आवास पर हुई बैठक में जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत कई नेता हुए शामिल। कोरोना से खराब इमेज को बदलने के लिए संघ की राह पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को निर्देश, जमीन से जुड़े सामाजिक कार्य करें। वैक्सीनेशन और रिलीफ कैंपेन से जुड़ेंगे बीजेपी कार्यकर्ता, लोगों को वैक्सीनेशन के लिए करेंगे जागरूक। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का प्रदेश संगठन को अभी से एकजुट होने का निर्देश। जेपी नड्डा का यूपी समेत चुनावी राज्यों के बड़े नेताओं को निर्देश, कहा 10 जुलाई तक पूरा करें चिंतन बैठक। चिंतन बैठक के बाद सभी 5 चुनावी राज्यों के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे जेपी नड्डा, आगे की रणनीति पर किया जाएगा विचार। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी का मिशन 2022, विधायकों के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर तय होगा टिकटों का बंटवारा। बीजेपी और संघ तैयार कर रहा है विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, इसे लेकर स्थानीय स्तर पर हो रही है संगठन और संघ की बैठकें। मुस्लिमों के भरोसे कांग्रेस का मिशन यूपी, मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के जरिए मुस्लिम घरों में बैठ बनाएगी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस ने यूपी में 2,00,000 मदरसों की लिस्ट बनाई है, मुस्लिम वोटरों को पार्टी से जोड़ने का अभियान मदरसों से शुरू किया जाएगा। यूपी की 143 सीटों पर मुस्लिमों का सीधा प्रभाव है, नए सिरे से मुस्लिमों को कांग्रेस से जोड़ने की कवायद। संयुक्त राष्ट्र की मीटिंग में बोले पीएम मोदी, सूखा और बंजर जमीन दुनिया के लिए खतरा, इसे अनदेखा किया तो ये हमारी नींव को खत्म कर देगा। पीएम मोदी ने कहा जमीन का कम होता है उपजाऊपन, विकासशील देशों और दुनिया के लिए बड़ा खतरा है, खराब भूमि को बहाल करने की दिशा में कर रहे हैं काम। यूएन की बैठक को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा पवित्र धरती माँ के क्षरण को रोकने की लड़ाई में भारत सबसे आगे, विकासशील देशों की कर रहा है मदद। भारत ने डोमिनिका कोर्ट में दिया एफिडेविट, कहा मेहुल चौकसी अब भी भारतीय नागरिक है, मेहुल चौकसी का भारतीय नागरिकता त्यागने का दावा गलत है। लोक जनशक्ति पार्टी में मचे घमासान के बीच अब चिराग के हाथ से निकली कमान, लोकसभा में चाचा पशुपति पारस बने एलजेपी संसदीय दल के नेता। पशुपति पारस के नाम पर लोकसभा स्पीकर ने लगाई मोहर, लोकसभा सचिवालय ने जारी किया आदेश। पशुपति पारस को एलजेपी के 5 सांसदों ने चुना था पार्टी के संसदीय दल का नेता, लोकसभा स्पीकर ने 5 सांसदों की मांग को किया स्वीकार। 21 साल में पहली बार चूंकि रामविलास पासवान की एलजेपी, अब दोनों गुटों में पार्टी पर कब्जे को लेकर होगी जोर आजमाइश। अब संगठन में भी बड़ी संख्या में लोग जा सकते हैं पारस के साथ, चिराग की ओर घट सकती है ताकत। पशुपति पारस ने कहा पार्टी तोड़ी नहीं है, उसे बचाया है, जब तक जिंदा हूं एलजेपी को जिंदा रखूंगा। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ने को तैयार, चिराग पासवान अपनी मां को देना चाहते हैं पार्टी की कमान। 6 से 12 साल के बच्चों पर कोविड वैक्सीन के परीक्षण के लिए आज से एम्स में शुरू होगी स्क्रीनिंग, 2 से 6 साल के वॉलंटियर्स का चुनाव अगले हफ्ते। थर्ड वेव के लिए फास्ट्रैक इंतजाम, 3 महीने में देश में 50 मॉड्यूलर हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, इनमें आईसीयू और ऑक्सीजन का इंतजाम होगा। ये मॉड्यूलर हॉस्पिटल मौजूदा अस्पतालों के करीब ही बनाए जाएंगे, इसके जरिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया जाएगा। अगले 20 सालों में दिल्ली की सूरत बदलने का मास्टर प्लान तैयार, लैंड पूल स्कीम से होगा रास्ता आसान। राजधानी दिल्ली को खूबसूरत और ट्रैफिक के जंजाल से मुक्त करने का प्लान, हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम समेत प्रीमियम और ऐप बेस्ड बस सर्विस लाने की योजना। बंगाल हिंसा पर राज्यपाल की अब तक की सबसे सख्त चेतावनी, कहा सरकार संविधान के दायरे में काम करे नहीं तो मुझे विवश होना पड़ेगा। राज्यपाल ने सीएम ममता बनर्जी पर बोला हमला, कहा बंगाल में अंतिम सांसें गिन रहा हूं, लोकतंत्र प्रदेश में चल रहा है हिंसा का तांडव।
विधायकों के साथ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से मिले नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी, राज्य के ताजा हालात और हिंसा पर हुई चर्चा। शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को सौंपा ज्ञापन, बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा की दी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट से फटकार के बाद जागी ममता बनर्जी, कहा वन नेशन वन राशन लागू होने से नहीं है कोई परेशानी, 3 महीने में लागू करेंगी योजना। कोरोना के चलते पश्चिम बंगाल में 1 जुलाई तक बढ़ाई गई पाबंदियां, सरकारी दफ्तरों में 25% से ज्यादा लोग नहीं होंगे, निजी दफ्तर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगे। 3 देशों के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केंद्र ने जवाब में कहा CAA से नहीं है कोई संबंध। मई में करीब 13% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची थोक महंगाई दर, महंगे पेट्रोल डीजल से बिगड़ा आपकी थाली का बजट। 6 महीने में सबसे ज्यादा महंगाई, मई में रिटेल महंगाई दर बढ़कर 6% से ज्यादा हुई, महीने भर में खाने वाले तेल के दाम 31% बढ़े। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान सहित देश के 10 राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए के पार हुआ, श्रीगंगानगर में डीजल भी 100 रुपए के पार हुआ। रेलवे को प्लेटफॉर्म टिकट बंद करने से 150 करोड़ का घाटा, केवल 10 करोड़ रुपए की हुई कमाई। WTC फाइनल के लिए ICC ने किया प्राइस मनी का ऐलान, चैंपियन बनने पर टीम इंडिया को मिलेंगी 11 करोड़ 72 लाख रुपए। WTC फाइनल से पहले कोहली के लिए गुड न्यूज, विजडन की मौजूदा दौर की ऑल फॉर्मेट प्लेइंग 11 के बनाए गए कप्तान। फिर कोर्ट की शरण में कंगना रनौत, एक्ट्रेस के नाम दर्ज है देशद्रोह की FIR, सितंबर में पासपोर्ट हो जाएगा एक्सपायर, लेकिन विभाग ने रिन्यू करने पर उठाई आपत्ति। अभिनेत्री नायरा शाह अपने दोस्त के साथ चरस का सेवन करने के आरोप में गिरफ्तार, अदालत में पेश करने के बाद मिली जमानत।